नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक विशेष चमत्कारी पौधे के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और बहुत से घरों में उसका पौधा लगा भी होता है। नाम है उसका मनी प्लांट। मित्रों, मनी प्लांट को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि मनी प्लांट घर में लगाने से धन में बरकत आती है, पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो वो वापिस आ जाता है और आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती है, इसलिए इसका नाम मनी प्लांट रखा गया। वैसे वनस्पति शास्त्र में इसका नाम मनी प्लांट नहीं है, लेकिन प्रचलित भाषा में हम इसे मनी प्लांट ही कहते हैं। मित्रों, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का ये पौधा बहुत घरों में आपने लगा देखा होगा, परंतु क्या आपको पता है कि सही विधि से इसे कैसे लगाया जाए, कहां से इसे प्राप्त करना सबसे अच्छा माना जाता है? तो चलिए मैं आज आपको इसकी रोचक जानकारी देता हूं। यदि आप इस मनी प्लांट को इस प्रकार से अपने घर में लगाएंगे, लेकर के आएंगे, तो यकीन माने आपको इसका भरपूर फायदा होगा। धन आपके पास कहीं से भी आए, धन आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो बुधवार का दिन मनी प्लांट के लिए सबसे शुभ दिन है। मनी प्लांट को जब भी आपने लेकर के आना है, किन्नरों से लेकर के आना है। आपके क्षेत्र में जो भी किन्नर हो, आप उनके पास जाएं, उनके पास ये पौधा होना चाहिए। बहुत घरों में, बहुत किन्नरों के पास तो ये होता है, वो इसे बूटी बोलते हैं, हमारी भाषा में इसे बूटी बोलते हैं। तो अगर उन्हें कहेंगे आप कि हमें बूटी दे दो, तो वो कुछ दक्षिणा मांगेंगे, कुछ पैसे मांगेंगे, आपको वो बूटी दे देंगे। अब आपने उसे लेना कैसे है, पहले ये सुने, फिर उसको कैसे अपने घर में स्थापित करना है वो सुने। सबसे पहले जब भी आपने इसे लेकर के आना है, उससे पहले किन्नरों को जो आपने भेंट करना है, उसमें दक्षिणा तो है ही, वो आप समर्थता अनुसार 100 से लेकर 1100 रुपये तक जितनी आपकी समर्थता है दें। इसके साथ आपको 400 ग्राम तो लेनी है आपने इमली, बीज वाली खट्टी इमली, और इसके साथ साथ आप इसके लिए ले सकते हैं कच्चे नींबू। कच्चे नींबू यानी कि ग्रीन कलर के नींबू। यदि ये दोनों चीजें आपको उपलब्ध हो जाएं, तो आप ये लेकर के जाएं उनके पास, और 400 ग्राम की मात्रा में इमली और 400 ग्राम की मात्रा में ही आप नींबू ले लें, लेकिन हरे कच्चे नींबू होने चाहिए, पीले नींबू नहीं लेने हैं, ले लें। और एक चितकबरे कलर का कपड़ा हो, जिसके अंदर व्हाइट और ब्लैक कलर हो, ऐसा कोई छोटा कपड़ा ले लें, उसकी पोटली बना लें, उसमें उसे डाल लें, ऊपर उसके दक्षिणा रख लें। रख करके आप उन्हें भेंट करें और उनसे मनी प्लांट की एक शाखा लेकर के आ जाएं। ये कार्य आपको बुधवार वाले दिन करना है और सूर्य अस्त होने से पहले पहले करना है। और जब आपको इसे लगाना है, उसी दिन आपने लगाना है, उसके लिए जो आपने गमला लेना है या कोई छोटा पात्र मिट्टी का लेना है जिसमें आपने उसे लगाना है, वो आपने कच्चा बना हुआ मिट्टी का पात्र लेना है। एक तो जो कुम्हार के पास हम जाते हैं तो गमला या कुछ भी है पात्र, वो अग्नि के अंदर तपा करके उसे पक्का बनाया जाता है। पक्का नहीं होना चाहिए मित्रों, उनको कहना कि जो कच्चा जो मटका वो बना करके रखते हैं गर्म करने के लिए, लाल करने के लिए, वो कच्चा मटका या कच्चा गमला उनसे लेकर के आए और घर ला करके आप उसके अंदर मिट्टी
शुद्ध मिट्टी कहीं से भी आप लेकर के आए, अगर दरिया के किनारे की मिट्टी हो तो बहुत अच्छी होती है, वो ला करके आप गमले के अंदर मिट्टी भरें और उसके अंदर वो मनी प्लांट का पौधा स्थापित कर दें। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा, बढ़ेगा, यकीन माने आपके पास धन भी बढ़ता रहेगा। ये होता है मनी प्लांट लगाने का सही तरीका। मित्रों, ये तरीका मैंने कई बार प्रयोग किया है, बहुत लोगों को बताया है और इसका लाभ भी उन्हें बहुत मिला है। हर व्यक्ति को मनी प्लांट लगाने का ये तरीका नहीं पता, ये विधि नहीं पता। मुझे मेरे गुरु ने आज से 10 साल पहले जब मैं उनके सानिध्य में बैठकर साधना करता था, उस समय उन्होंने मुझे इसका प्रयोग बताया था। इसके और भी प्रयोग हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये घरेलू प्रयोग बता रहा हूँ। आप इसे करके देखें और फिर आप इससे लाभ लें। धन्यवाद। जय माता दी।